हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो है मारुति सुजुकी एक्सप्रेसो। सो लेट्स हैव अ क्लोजर लुक ऑफ दिस व्हीकल स्टार्टिंग विद द फ्रंट प्रोफाइल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट एट फर्स्ट लेट्स अनलॉक द कार। सो गाइस, दिस इज द कार की, इट गेट्स लॉक एंड अनलॉक बटन। तो चलिए इस कार को अनलॉक करते हैं। ये है इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल यू गाइस। इसको एक सुजुकी का ब्रांडिंग और लेफ्ट साइड और राइट साइड में फॉर शो के लिए चार क्रोम इंसर्ट्स मिलता है। इसका रेडिएटर ग्रिल एक्चुअली नीचे है और इसको एक बहुत ही बेसिक सा हेडलैम्प मिलता है फुल्ली इंटीग्रेटेड विद हैलोजन बल्ब्स, और नीचे आपको कोई भी फॉग लैंप्स देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज द प्लेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट गाइज, दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द रेडिएटर विल कूल इटसेल्फ। यहाँ से रेडिएटर को ठंडक मिलती है। और ज़्यादा कुछ नहीं है इस गाड़ी के बारे में बात करने के लिए इन द फ्रंट प्रोफाइल। वैसे इसको एक रजेड लुक दिया गया है। नीचे आपको एक सिल्वर कलर में स्किड प्लेट देखने को मिलेगा और बॉर्डर्स आपको ब्लैक कलर्स में देखने के लिए मिल जाएगा, और इसके बॉनेट पे आपको कोई भी कैरेक्टर लाइंस नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में, स्टार्टिंग विद दीज डोर हैंडल्स और ग्रैब हैंडल्स। इसको ब्लैक कलर में मिलता है इस गाड़ी में, बॉडी कलर में नहीं मिलेगा। दीज आर द रेन गार्ड्स फॉर द विंडोज जो इस गाड़ी में इंटीग्रेटेड है। और गाइस, इस कार को एक फुल्ली मैनुअली एडजस्टेड ब्लैक कलर में ORVM मिलता है जो बहुत ही टफ है और स्टाइलिश है देखने में। एंड गाइज, आपको एक बहुत ही बेसिक सा स्टील व्हील मिलता है इस गाड़ी में विथ व्हील कैप्स, और इस बड़े से व्हील आर्च और कैरेक्टर लाइंस ने इस गाड़ी को एक और रजेड लुक दिया है। नीचे की तरफ देखेंगे तो यू गेट अ सिल्वर कलर में स्किड प्लेट एंड ऑल्सो अ बॉडी गार्ड टाइप ऑफ थिंग। तो चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में। इसको बीच में एक सुजुकी का ब्रांडिंग का लोगो देखने को आपको मिलेगा और नीचे एक की होल मिलेगा, एंड यू विल गेट द एस्प्रेसो बैजिंग ऑन द लेफ्ट साइड। इधर भी आपको बेसिक सा एक टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा विथ हैलोजन बल्ब्स, और नीचे एक रिफ्लेक्टर भी आपको मिलेगा। एंड यू विल गेट इंटीग्रेटेड पार्किंग सेंसर्स अक्रॉस ऑल द वेरियंट्स ऑफ दिस व्हीकल। So now let's open the boot and have a look at it from inside. You have to open the boot with the lever or with the keyhole. So ये आपका boot space, काफ़ी decent space है इसमें। आपको parcel tray अलग से लेना पड़ेगा, यहाँ पर अभी लगाया हुआ नहीं है। और नीचे आपको मिलता है spare wheel और tool kits ऊपर ही रखा हुआ था। अच्छा, ये जा नहीं रहा, एक सेकेंड, एंड हियर वी गो। या तो चलिए अभी इस बूट को बंद करते हैं और चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ड्राइवर साइड डोर, लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। आपको हर जगह हार्ड प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगा। दिस इज द ग्रैब हैंडल, और नीचे आपको एक बॉटल के लिए स्पेस और एक अम्ब्रेला के लिए स्पेस मिल जाएगा, इंक्लूडिंग अ स्पीकर। तो चलिए चलते हैं अभी इस गाड़ी के अंदर और देखते हैं इसके इंटीरियर्स को थोड़ा करीब से। तो आपको स्टीयरिंग कॉलम में राइट साइड में लाइट के कंट्रोल्स और लेफ्ट साइड में आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाएंगे। आपको बहुत ही बेसिक से स्टीयरिंग व्हील मिलता है जहाँ पे कोई भी कंट्रोल स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलेगा और कोई भी एक्स्ट्रा बटन्स और कंट्रोल्स भी नहीं मिलेगा। नीचे आपको ड्राइवर के लिए एक थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, और उससे भी नीचे आपको हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी इस गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। सो यू विल गेट अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विच इज़ अ प्लस पॉइंट इन माय ओपिनियन इन दिस प्राइस पॉइंट, और आपको एक बहुत ही बेसिक सा स्टीरियो देखने के लिए मिल जाएगा फुल्ली मैनुअल। उसके नीचे हजार लाइट का बटन और पावर विंडो के बटन्स फॉर द फ्रंट विंडोज, और ये है फुल्ली मैनुअल AC।
और उसके नीचे आपको स्पेस मिल जाएगा फ़ोन रखने के लिए, और एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा और दो कप होल्डर। इसको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है 5 स्पीड, और मैनुअल हैंड ब्रेक भी मिलता है। और पैसेंजर साइड में आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा मोबाइल फ़ोन्स वगैरह रखने के लिए, और उसके नीचे आपको मिल जाएगा एक बहुत ही डिसेंट सा ग्लव बॉक्स जो काफ़ी यूज़फुल है। आपको बहुत ही बेसिक सा सन वाइजर्स मिलेंगे इस गाड़ी में फॉर बोथ पैसेंजर एंड ड्राइवर साइड विद नो वैनिटी मिरर्स। और दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल। अब चलिए पीछे चलते हैं, देखते हैं इस गाड़ी के पीछे के सीट्स। तो चलिए पीछे का डोर खोलते हैं एंड लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट इट। आपको फिर यहाँ पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिलेगा, everywhere hard and scratchy materials, so you need to be careful. नीचे आपको एक विंडो रोलर मिल जाएगा क्योंकि आपको पीछे इसमें मैनुअल विंडोज मिलते हैं। आपको पीछे सेंटर में एक स्पेस मिलेगा टू कीप योर मोबाइल फोन्स और समथिंग। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर्स मिलते हैं, और बाय द वे इस गाड़ी को फुल्ली फैब्रिक सीट्स मिलते हैं। आपको अलग से सीट कवर्स लगवाना पड़ता है। इसमें आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा और दो हेडरेस्ट मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इंजन बे। तो कैसी लगी आपको ये कार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।